क्या यूपी उपचुनावों में आरएसएस से मदद मांगने मथुरा पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ? क्या यूपी उपचुनावों में आरएसएस के स्वयंसेवक करेंगे बीजेपी का प्रचार प्रसार? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने मथुरा पहुंचे थे। औपचारिक तौर पर कहा गया कि सीएम योगी संघ प्रमुख को महाकुंभ में आने का न्योता देने गए थे। हालांकि 45 मिनट चली इस मुलाकात में कुछ और भी बातें हुई हैं। मुलाकात उपचुनावों के प्रत्याशी घोषित होने से पहले हुई है तो कयासों का सिलसिला भी शुरू हो गया। आखिर 45 मिनट की इस मुलाकात में क्या क्या हुआ सब बताते हैं। आज तक के लखनऊ ब्यूरो के सीनियर एडिटर कुमार अभिषेक की रिपोर्ट के मुताबिक सीएम योगी और संघ प्रमुख के बीच 45 मिनट चली इस बातचीत में कई अहम मुद्दों पर बात हुई। यह मुलाकात 22 अक्टूबर की शाम तकरीबन 7 बजे हुई। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनावों के लिए स्वयंसेवकों का सहयोग मांगा है, साथ ही सीएम ने संघ से मिले फीडबैक को लेकर भी चर्चा की। दरअसल संघ समय समय पर बीजेपी को फीडबैक देता रहता है। सूत्रों का कहना है कि संघ प्रमुख ने सीएम योगी को आश्वस्त किया है कि स्वयंसेवक हरियाणा की तर्ज पर यूपी उपचुनाव में भी बीजेपी का साथ देंगे। हरियाणा की तर्ज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरएसएस ने हरियाणा में बीजेपी के लिए रूरल वोटर आउटरीच प्रोग्राम चलाया था। आज तक के सूत्रों के मुताबिक हरियाणा के हर जिले में आरएसएस ने 150 स्वयंसेवकों को तैनात किया था, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी के कामकाजों की जानकारी पहुंचाई जा सके। इस दौरान लोगों को पार्टी से भी जोड़ा गया था। जमीनी हालात भांपते हुए आरएसएस ने बीजेपी आलाकमान को हरियाणा में मजबूत प्रत्याशियों की लिस्ट भी सौंपी थी, साथ ही कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन में उठे असंतोष को खत्म करने की जिम्मेदारी भी संघ ने संभाली थी। खैर, अब बारी यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की है। हुआ यूं कि मौजूदा विधायक जिन्हें सांसदी मिल गई है उनकी सीट खाली हो गई है, अब उन्हीं सीटों पर उपचुनाव होना है। वैसे तो ऐसी कुल 10 सीटें हैं जो खाली हुई हैं, लेकिन एक पेंडिंग केस के चलते फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट पर फिलहाल उपचुनाव नहीं हो रहा। बाकी 9 सीटों पर 25 अक्टूबर तक नामांकन और 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। ये 9 सीटें हैं गाजियाबाद सदर, मुरादाबाद की कुंदर की, बिजनौर की मीरापुर, अलीगढ़ की खैर, मैनपुरी की करहल, कानपुर की शीशामऊ, अम्बेडकर नगर की कटहरी, प्रयागराज की फूलपुर और मिर्ज़ापुर की मझुआ विधानसभा सीट। 2019 लोकसभा चुनाव में यूपी से 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी के हिस्से 2024 लोकसभा में महज 33 सीटें आई थी। इसके बाद सीएम योगी की लोकप्रियता पर भी सवाल उठे थे। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का पीडीए का फॉर्मूला कारगर साबित हुआ। सपा जिसे 2019 में महज 5 सीटों पर जीत मिली थी, 2024 में उसका आंकड़ा 37 हो गया। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें 4 सीटें मुरादाबाद की कुंदर की, मैनपुरी की करहल, कानपुर की शीशामऊ, अंबेडकर की कटहरी पर समाजवादी पार्टी के विधायक थे। 3 सीटें गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, प्रयागराज की फूलपुर पर बीजेपी और बिजनौर की मीरापुर सीट पर आरएलडी और मिर्जापुर की मझुआ सीट पर निषाद पार्टी के विधायक थे। माने सपा के हिस्से 4 विधायक हैं और बीजेपी के हिस्से 3 और एक एक आरएलडी और निषाद पार्टी के खाते में है। सीएम योगी के लिए यूपी का उपचुनाव उनकी लोकप्रियता का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। आज तक के कुमार अभिषेक की रिपोर्ट के मुताबिक सीएम योगी उपचुनाव की रणनीति तय करने को लेकर प्रचार के मोर्चे पर खासा सक्रिय नजर आ रहे हैं। बीजेपी और संघ के बीच संबंध मजबूत करने को लेकर सीएम खुद फ्रंट पर आ गए हैं। गौरतलब है कि 2024 के नतीजे के तुरंत बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर के प्रवास पर थे। उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संघ प्रमुख से मुलाकात की खबरें आई थी, लेकिन तब इसकी पुष्टि किसी ने नहीं की थी। ये माना गया कि संघ प्रमुख और यूपी के सीएम की गोरखपुर में कोई औपचारिक मुलाकात नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही कहा जा रहा था कि बीजेपी और संघ के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। हालांकि हरियाणा चुनाव के बाद संघ और बीजेपी के बीच की तल्खियां कुछ कम हुई हैं। फिलहाल बीजेपी ने अभी किसी भी सीट पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। नामांकन के आखिरी तारीख को अब महज 2 दिन बचे हैं। खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस उपचुनाव में 7 चुनाव लड़ेंगे। सपा ने 9 में से 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अब देखना होगा संघ प्रमुख से हुई इस मुलाकात के बाद यूपी उपचुनाव की गणित में क्या बदलाव होगा। जो भी बदलाव होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। कैमरे पीछे हमारे साथी प्रशांत है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया। दिल्ली से निकलकर बाहर ललन टॉप आ पहुंचा है अपने मायके। अब की बार ललन टॉप अड्डा जमेगा बिहार में। जगह होगी बापू सभागार पटना और तारीख 25 अक्टूबर। अगर आपको भी इस अड्डे का हिस्सा बनना है तो dlalantop.com पर जाइए, वहां पर मौजूद बैनर पर क्लिक करिए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए। ललन टॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले स्वाद बिहार का, को पावर्ड बाय आईटेल बिहार टूरिज्म एंड सुधा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट।